हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी द्वारा अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो लोरा नेवल मिसाइल्स हैं इनका इंडक्शन बहुत जल्दी किया जाना है। ये मिसाइल्स एक्चुअली इजरायली ओरिजिन की हैं, पर इंडिया में बेल द्वारा मैन्युफैक्चर करी जा रही हैं। तो 2023 में ही एक MOU साइन किया गया था बेल और IAI यानी कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के बीच में, जिसके अंतर्गत इन मिसाइल्स को इंडिया में ही बेल द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाना है। ये चीज़ आपको बता दें कि ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और डेडली हैं। बेसिकली आप इन्हें काफ़ी बड़ा भारी रॉकेट कह सकते हैं, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज में एक्यूरेटली टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। तो इस कैटेगरी में इंडिया द्वारा किसी भी तरीके के रॉकेट या फिर मिसाइल्स को नहीं बनाया जाता है। तो ये बहुत ही हल्की मिसाइल है, वज़न यहाँ पर करीबन 1.6 टन का है, और इस वज़न में ये करीबन 570 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है, वो भी मैक्सिमम रेंज यहाँ पर 400 किलोमीटर को क्रॉस करती है, और ये अपने फ्लाइट पाथ में हाइपरसोनिक स्पीड को भी अचीव कर सकती है। तो यहाँ पर गाइडेंस के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम GPS इस्तेमाल किया जाता है मिड कोर्स के लिए। वहीं पर टर्मिनल यहाँ पर TV कैमरा को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो एक्यूरेसी है ये 10 मीटर CP के आसपास की मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वज़न, डायमेंशन और कैपेबिलिटी के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसको ईजिली वॉरशिप्स में कैरी किया जा सकता है। तो नॉर्मली इसको कैरी करने के लिए इंटरमोडल कंटेनर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर टेल लॉन्चर्स को यूज़ करके भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। तो सी टारगेट्स को टारगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और कोर्स करेक्शन चाहिए। फॉर्चुनेटली ये जो मिसाइल है ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। इवन नागरोनो कराबक की जब लड़ाई अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हुई थी, तो अजरबैजान द्वारा ये मिसाइल्स इस्तेमाल करी गई थी, इवन कई इंपॉर्टेंट ब्रिजेस को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, जहाँ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इन्होंने अपने टारगेट को हिट किया था। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी द्वारा ऐसा पहली बार नहीं होगा कि शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को नेवल वॉरशिप से लॉन्च किया जाएगा या फिर इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन नेवी पहले धनुष शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल कर चुकी हैं, जिनका इंटीग्रेशन जो है ये INS सुभद्रा से किया गया था। लेकिन धनुष के कंपैरिजन में अगर हम लोरा की बात करें तो लंबाई लगभग आधी है। धनुष के 8.53 मीटर की लंबाई के कंपैरिजन में यहाँ पर जो लंबाई है ये मात्र 5.2 मीटर की है। वहीं पर डायमीटर की बात करें तो लोरा का जो डायमीटर है ये खाली 624 mm का है। इसके कंपैरिजन में धनुष का जो डायमीटर है ये ऑलमोस्ट 0.9 मीटर का था। तो कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से यहाँ पर मल्टीपल लोरा मिसाइल्स इंडियन वॉरशिप्स कैरी करने में सक्षम होंगे। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो धनुष मिसाइल थी ये न्यूक्लियर कैपेबल थी, लेकिन उसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा था, करीबन 4.5 टन का। वहीं पर लोरा का जो वज़न है इसके कंपैरिजन में खाली 1.6 टन का है, जो कि ऑलमोस्ट 3 times कम है धनुष के वज़न का। खैर, धनुष में वॉरहेड भी 500 से 1000 किलोग्राम तक का कैरी किया जा सकता था, और रेंज भी अप्रॉक्सीमेटली 750 किलोमीटर की मिल जाती थी। पर जिस तरीके का डायमेंशन और वज़न लोरा का है, इसके कंपैरिजन में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। बाकी वॉरहेड की बात करें तो भले ही यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड लोरा द्वारा ना कैरी किया जाए, पर हाई एक्सप्लोजिव या फिर हाई स्पीड पेनिट्रेटर वॉरहेड को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि सफिशेंट रहेगा किसी भी तरीके के वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिंगल स्ट्राइक में। इवन अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के अगेंस्ट भी इसको देखा जा रहा है, तो ऐसी दो मिसाइल्स अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को स्ट्राइक करेंगी तो प्रॉपर डैमेज एयरक्राफ्ट कैरियर को दी जा सकती है, इवन उसको सिंक भी किया जा सकता है। तो एक तरीके से इस मिसाइल को आप ब्रिज कह सकते हैं, जो कि नॉर्मल आर्टिलरी और एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बीच का है। तो एक वॉरशिप मिनिमम 4K अराउंड ऐसे मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा, क्योंकि यहाँ पर साइज और डायमेंशन छोटा है जैसा कि हमने बताया। तो मिनिमम 4 मिसाइल्स इजीली कैरी करी जा सकती हैं। तो ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स मनवर्स भी परफॉर्म कर सकती हैं, जिसकी वजह से इनको इंटरसेप्ट कर पाना भी इतना आसान नहीं है। ऑल्दो इंडिया द्वारा भी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी डेवलप करी गई हैं, जो कि शौर्य और प्रलय हैं, पर वहाँ पर वज़न और डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा है। शौर्य के केस में वज़न ऑलमोस्ट 6.2 टन का है, और वो 2 stage की सॉलिड रॉकेट बूस्टर वाली मिसाइल है। मैक्सिमम रेंज वहाँ पर 1900 किलोमीटर तक पहुँचती है, और वॉरहेड 1000 किलोग्राम तक का कैरी किया जा सकता है। वहीं पर बात करें प्रलय की, और वहाँ भी 2 stage की सॉलिड रॉकेट मोटर को इस्तेमाल किया जाता है। अगेन वो भी हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करने में सक्षम है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, पर वज़न काफ़ी ज़्यादा है किसी भी वॉरशिप द्वारा सफिशेंट अमाउंट में कैरी करने के लिए। लोरा मिसाइल कंपैरेटिवली, जैसा कि मैंने बताया, डायमेंशन कम है, और उसके हिसाब से पंच काफ़ी अच्छा है।
बाकी लोरा मिसाइल का जो एयर लॉन्च्ड वर्जन है ये कुछ ही समय पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था, पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये एक्वायर किया गया है या नहीं किया गया है इस पर फिलहाल कोई कन्फर्मेशन नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।